हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो फ्लो प्लान हब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो हमने यहाँ पे एक 3D हाउस क्रिएट किया है अपने रेविट के थ्रू। इसी मॉडल को हम यहाँ पे एंडस्केप के थ्रू रेंडर करेंगे एंड एंडस्केप के थ्रू जो भी यहाँ पे इसकी एसेट लाइब्रेरी है उसके थ्रू यहाँ पे प्लांटेशन वर्क एंड अदर जो भी लैंडस्केपिंग का छोटा मोटा पार्ट है वो यहाँ पे कम्प्लीटली क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास कम्प्लीट हाउस है, बाउंड्री वॉल, योर फुटपाथ, योर रोड एंड यहाँ पे हमने एक टोपो सरफेस क्रिएट किया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी ट्रीज हैं वो हम यहाँ पे सिंपली कुछ इंसर्ट कराएंगे एंड उसके बाद कार एंड सम पीपल एंड वन बाय वन ये सारी चीज़ें इंसर्ट कराएंगे। ओके, सो बिफोर यूजिंग एसेट लाइब्रेरी मेक श्योर डैट कि जो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे ऑन होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे एसेट लाइब्रेरी यूज़ मतलब एक तरीके से लोड नहीं होती है। ओके, सो ये चीज़ डिपेंड करेगा आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर कि यहाँ पे जो एसेट लाइब्रेरी है वो कितनी जल्दी ओपन होती है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बाद वी हैव टन ऑफ कैटेगरीज लाइक एसेसरीज, एनिमल्स, कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर एंड सो ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज जो हमें यहाँ पे वेजिटेशन का पार्ट करना है ये हम यहाँ पे सिंपली अपने लेवल वन पे क्रिएट करेंगे। सो सिंपली गो टू लेवल वन और यहाँ से लेवल वन देखो इधर से आपका ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे सिंपली हम वेजिटेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी हमारे ट्रीज हैं वो यहाँ पे लोड होकर आ जाएगा। सो यहाँ पे हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा डिजायर ट्री है वो हम यहाँ पे लोड करेंगे। सो लेट अस गो फॉर दिस वन। देन जैसे मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा ये हमारा फाइल आपके रेविट प्रोजेक्ट में लोड होना लगेगा। सो ये ट्री यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा। अब जहां भी आपको ये ट्री को प्लेस करना है सिंपली मैंने कहा कुछ बैक साइड में समथिंग लाइक हियर, मैं सिंपली एक ट्री प्लेस करूंगा, बार बार प्लेस नहीं करूंगा, बाद में इसकी मैं कॉपी क्रिएट कर लूंगा। तो सिंपली प्रेस एस्केप, जैसे ही आप यहाँ पे टू टाइम्स एस्केप दबाओगे यहाँ पे वापस आपकी एंडस्केप की एसेट लाइब्रेरी दोबारा से ओपन होकर आ जाएगी। ओके, सो अगेन लेट अस गो फॉर दिस ट्री एंड वी विल प्लेस दिस ट्री समथिंग लाइक हियर। सिंपली प्रेस एस्केप टू टाइम्स अगेन और फिर यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे एंड लेट अस गो फॉर दिस स्मॉल ट्री एंड ये ट्री हमारा लेट से मैं इसको फ्रंट में यहाँ पे प्लेस करूँगा। सो फ्रंट में यहाँ पे कंप्लीट फुटपाथ है जो कि यहाँ पे स्टोन वर्क हमने किया था। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ये जो फुटपाथ का जितना पार्ट है जहाँ पे मैं ट्री प्लेस करूँगा यहाँ पे मैं एक ग्रास का मटेरियल क्रिएट कर दूंगा। ओके, सो या फिर अभी फ्रंट में या तो रहने देते हैं अभी हम। ओके, सो हम यहाँ पे सिंपली इस वाले पार्ट में प्लेस करते हैं और यहाँ पे इसको बाद में एरे करा देंगे। देन इसके बाद और भी जैसे जिस टाइप के भी आपको ट्रीज चाहिए, आपको प्लांट्स वगैरह चाहिए, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सो लेट अस गो फॉर दिस प्लांट। अभी हम लेवल 3 पे प्लेस करना चाहते हैं लेट्स से। लेवल 3 हमारा बालकनी का पार्ट आ जाएगा। सो हम यहाँ पे इस ट्री को प्लेस करेंगे, इस प्लांट को प्लेस करेंगे यहाँ पे सिंपली। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा लेवल 3 ओपन हो गया है इस तरीके से कुछ। और यहाँ पे हम इस प्लांट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं इसको अपने बालकनी में प्लेस करता हूँ। सो लेट अस प्लेस दिस प्लांट समथिंग लाइक, स्पेस बार से आप यहाँ पे इसको रोटेट भी कर सकते हो या अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको रोटेट करना है आप यहाँ पे सिंपली रोटेशन परफॉर्म कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम एस्केप प्रेस करते हैं एंड लेट अस गो फॉर सम अदर प्लांट, लेट अस गो फॉर दिस वन सपोज। सो ये बहुत ही बड़ा है सो इतना बड़ा मैं यहाँ पे नहीं प्लेस करना चाह रहा। सो प्रेस एस्केप एंड लेट अस गो फॉर सम स्मॉल, लेट अस गो फॉर दिस वन। ओके, सो ये प्लांट को मैं यहाँ पे समथिंग रोटेट करा के इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ। सिंपली प्रेस एस्केप अगेन, एस्केप एंड गो टू लेवल वन अगेन। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम अपने जो भी कार है और जो अदर एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे प्लेस करेंगे। सो यहाँ से हम सिंपली नीचे आते हैं एंड यहाँ से हमारे पास व्हीकल्स का ऑप्शन है, गो टू व्हीकल एंड यहाँ पे आपके सारे व्हीकल्स लोड होकर आ जाए समथिंग लाइक दिस। सो लेट अस गो फॉर दिस वन एंड ये व्हीकल हमारा सिंपली आपके रोड पे हम इसको प्लेस करेंगे। सो कुछ इस तरह से हमारा व्हीकल आ जाएगा। सिंपली प्रेस स्पेस बार टू रोटेट द डायरेक्शन एंड समथिंग से मैं यहाँ पे इसको प्लेस करता हूँ। एस्केप एंड एस्केप एंड अगेन वी विल बी लोडिंग दिस कार।
स्पेस बार से डायरेक्शन रोटेट और यहाँ पे मैं इसको प्लेस करता हूँ। सिंपली अगेन प्रेस एस्केप एंड फिर यहाँ पे आपका पीपल, टोटल पीपल एंड यहाँ पे आपके सारे जितने भी पीपल हैं वो आपके लोड हो जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पे पीपल लोड हो रहे हैं। सो लेट अस एंडी ऑन बाइसाइकिल, सिंपली सेलेक्ट दिस एंड वी विल इंसर्ट हिम समथिंग हियर। एस्केप एंड लेट अस गो फॉर दिस वुमेन विद अ चाइल्ड ऑन लेवल 3, यानी कि बालकनी में हम इनको प्लेस करेंगे। सो यहाँ पे हमारी बालकनी आ गई, इसको साइड में, इसको यहाँ पे एंड सेलेक्ट दिस वुमेन विद अ चाइल्ड एंड इनको मैं यहाँ पे बालकनी में प्लेस करूँगा समथिंग लाइक दिस। देन एस्केप एंड एस्केप अगेन। सेम इसी तरह से आप यहाँ पे और भी लाइब्रेरीज को ऐड करना चाहते हो, और भी लोगों को ऐड करना चाहते हो, तो वन बाय वन आप यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हो। सो लेट अस गो फॉर दिस वन एंड इनको मुझे यहाँ पे लेवल 1 पे प्लेस करना था। सो एक बार आप अगर एसेट लाइब्रेरी को यहाँ पे इंसर्ट करा रहे हो तो लेवल्स आपके लॉक्ड हो जाते हैं। तो एस्केप और यहाँ पे 2 times एस्केप कर दिया जिससे कि हमारी एसेट लाइब्रेरी भी क्लोज हो गई। सो वी विल बी अगेन ओपनिंग अवर एसेट लाइब्रेरी एंड वी विल अगेन ओपन पीपल एंड सर्च फॉर दैट पर्सन अगेन। सो ही वॉज एंड इनको मैं यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करके कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं इनको प्लेस कर देता हूँ समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज करूँगा और इनको यहाँ पे मैं समथिंग रोटेट भी कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग समथिंग लाइक दिस। एरो की से शिफ्ट भी कर सकते हैं हम इनको। देन इसके बाद यहाँ पे जो ये ट्रीज थे इनको मैं कॉपी कर सकता हूँ वेयर एवर यू वॉन्ट। सो मल्टीपल कॉपीज समथिंग लाइक दिस एंड दिस कॉपी। सो मैं बैकग्राउंड में एक तरीके से कंप्लीट इसकी कॉपी क्रिएट कर दूंगा जिससे कि जो हमारा बैकग्राउंड का पोर्शन है वो यहाँ पे मोस्टली हाइड हो जाए। ओके, बाकी हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस रहेगा या कोई भी और एडिटिंग करनी पड़ेगी सो वो चीज़ हम बाद में और लोगों को ऐड कर सकते हैं। सो कॉपी दिस पार्ट एंड समथिंग लाइक हियर। सो एक तरीके से कंप्लीट क्लस्टर टाइप का आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन सेलेक्ट दिस ट्री एरे, सेलेक्ट दिस पॉइंट लास्ट अप टू हियर लेट्स से एंड नंबर ऑफ आइटम्स लेट्स से 10 एंड यहाँ पे अनग्रुप कर दीजिएगा सबको सेलेक्ट करके एक साथ अनग्रुप। सो सेलेक्ट दिस एंड अनग्रुप एंड वन बाय वन सबका मैं डायरेक्शन यहाँ पे रोटेट करा देता हूँ जिससे कि जो हमारे यहाँ पे सिलेक्ट्रिसिटी है वो थोड़ा सा यहाँ पे रिमूव हो जाए। ओके, सो सेलेक्ट दिस रोटेट, सेलेक्ट दिस रोटेट, सेलेक्ट दिस रोटेट, सेलेक्ट दिस रोटेट, सेलेक्ट दिस रोटेट एंड सेम फॉर दिस। अगेन सेलेक्ट ऑल दीज प्लांट्स, कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू लेट्स से दिस पॉइंट। ओके, इट्स डन। देन यहाँ पे मैं साइड पे आ जाता हूँ। यहाँ पे जो हमने ये टोपो सरफेस क्रिएट की थी सेम हम टोपो सरफेस साइड बैक साइड में भी क्रिएट कर लेते हैं। सो गो टू सिंपली मासिंग एंड साइड टोपो सरफेस एंड सेव दिस प्रोजेक्ट। देन वन बाय वन यहाँ पे मैं समथिंग लाइक दिस एंड फ्रॉम हियर टू हियर कुछ इस तरह से अपनी टोपो सरफेस यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ओके, देन अगेन फिनिश एंड अगेन गो टू टोपो सरफेस एंड वी विल ऐड वन टोपो सरफेस लाइक दिस एंड अगेन टोपो सरफेस। हम यहाँ पे बिल्डिंग पैड भी ऐड कर सकते थे बट हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं अभी सिंपली। तो यहाँ पे अलग सेपरेट इस तरह से एक टोपो सरफेस क्रिएट कर ले रहा हूँ। चेकआउट द 3D व्यू। सो 3D व्यू कुछ इस तरह से आएगा। ये जो हमने यहाँ पे अलग से टोपो सरफेसेस ऐड की हैं कंट्रोल दबा के सबको सेलेक्ट करके मटेरियल में जाके यहाँ पे मैं इसको सिंपली ग्रास मटेरियल यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, सिंपली प्रेस ओके एंड इट इज डन नाउ। ओके, बाकी यहाँ पे रेस्ट आप बैक साइड में और हाउसेस वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एंडस्केप पे इसको रेंडरिंग का पार्ट स्टार्ट करेंगे एंड फिर देखते हैं यहाँ पे कि एक ऐसा आपका व्यू आता है उसके अकॉर्डिंग हम बाकी के एडिटिंग्स करेंगे। ओके, सो ये कार हमारी इस तरह से रोटेट रहेगी एंड दिस कार विल बी समथिंग लाइक दिस एंड यहाँ से ये चीज़ देख लीजिएगा कि ये ऑफसेट ना हो। ओके, सो इट इज़ कम्प्लीटली ऑन रोड। यस, इट इज़ कम्प्लीटली ऑन रोड। ठीक है, ओके, वेरी गुड।
देन यहाँ पे सिंपली हमारे पास कैमरा व्यूज हमने ऑलरेडी पहले से क्रिएट करके रखे हो समथिंग लाइक दिस. सो वी विल एक्टिवेट द 3D व्यू 1, देन गो टू एंडस्केप, यहाँ से एक्टिव डॉक्यूमेंट को 3D व्यू हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड सिंपली क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सो यहाँ पे जो आपका एंडस्केप है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा. सो लेट अस वेट जब तक ये स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा एंडस्केप है वो स्टार्ट हो गया है एंड वी हैव गॉट दीस कमांड्स. यहाँ पे आप देखोगे तो WASD से हम यहाँ पे मूव अप डाउन राइट लेफ्ट, QE से हम अप जा सकते हैं ऊपर जा सकते हैं, WNS से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, देन ऑल ये सारे कीज है. बाकी इसका एक डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, उसको आप जरूर से जरूर देखिएगा, उसमें और भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी. So we will simply press E to go up, something like this. And यहाँ पे मैं जैसे भी आपको अपना व्यू सेट करना है आप सेट कर सकते हो. यहाँ पे कुछ सेटिंग्स रहेंगी, जैसे कि यहाँ पे मैं रेविट को ओपन करता हूँ, गो टू सेटिंग्स, गो टू विजुअल सेटिंग्स. अब यहाँ पे जो एंडस्केप का वर्जन है डेट इज 2.8. सो विजुअल सेटिंग्स में आएंगे. विजुअल सेटिंग्स पे आने के बाद आई विल ट्रांसफर दिस रेविट इन माई सेकेंड विंडो. एंड यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हमारे पास ऑलरेडी सेट है ये चीज़. सो रेंडरिंग आउटलाइन वगैरह अगर आपको ऐड करनी है, सो यू कैन ऐड द आउटलाइनिंग ऑफ योर हाउस. यहाँ पे कुछ आउटलाइंस ऐड हो जाएंगे. सो लेट अस गिव 5 आउटलाइन. यहाँ पे आपका जो रेंडर मोड है वो आप कैसा चाह रहे हो, तो बेसिकली नन रखेंगे इसको. ऑटो एक्सपोजर, अगर एक्सपोजर को आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, एज यू कैन सी इन द बैकग्राउंड. ओके, तो जो भी आपको एक्सपोजर सेट करना कर सकते हो. बाकी ऑटो एक्सपोजर यहाँ पे आपने अपने अकॉर्डिंग ये चीज एक्सपोजर सेट करेगा. ओके, सो एक्सपोजर में यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग करता हूँ. सो आई थिंक दिस मच इज ओके फॉर नाउ. बाकी यहाँ पे प्रोजेक्शन आप कैसा चाहते हो, प्रोस्पेक्टिव व्यू, 2.0 ऑर्थोग्राफिक व्यू, तो मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू ही चाहूँगा. डेप्थ ऑफ फील्ड, यानी कि अगर आप बैकग्राउंड में फोकस वगैरह कुछ ऐड करना चाहते हो समथिंग लाइक दिस, सो वो चीज़ आप यहाँ पे मतलब बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हो तो वहाँ पे सेट कर सकते हो. सो मैं यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड को थोड़ा सा कम ही रखूँगा, अप्रॉक्सीमेटली 20%. ओके, देन इसके बाद यहाँ पे फोकस, ये ऑटो फोकस आपका सेट रहेगा तभी आपका घर यहाँ पे फोकस रहेगा, नहीं तो ऑटो फोकस से कम्प्लीटली आपका ब्लर हो जाएगा. ओके, बाकी यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू यानी कि एंगल कैमरा आप कितना सेट करना चाहते हो, तो दिस इज़ द मेन थिंग. सो जो आपको यहाँ पे कम्फर्टेबली सेट लगे वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं. सो लेट अस सेट इट टू अप्रॉक्सीमेटली 30 degree, यानी कि कितना आपको कैप्चर कर रहा है. एंड यहाँ पे रेंडरिंग क्वालिटी अल्ट्रा, देन इसको मैं साइड में करता हूँ एंड यहाँ से मैं वी विल प्रेस ई एंड वी विल गो बैक बाय प्रेसिंग एस. एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं अपने व्यू को थोड़ा सा यहाँ पे डाउनवर्ड सेट कर लूँगा, समथिंग लाइक दिस. ओके, देन यहाँ पे ए से मैं थोड़ा सा और साइड में कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस. देन अगेन यहाँ पे और सेटिंग्स देखते हैं लाइक इमेज. सो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट वगैरह अगर आप हाईलाइट्स वगैरह कम ज़्यादा करना चाहते हो तो ऑटो कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको सेट करना है. सो वी विल सिंपली सेट दिस टू ऑटो कॉन्ट्रास्ट. सेचुरेशन कम ज़्यादा अगर आपको करना है सो यू कैन ऑल्सो डू दिस. सो वी विल बी सेटिंग दिस सेचुरेशन थोड़ा सा मैं कम ही रखूँगा. ओके, सो रीसेट टू डिफॉल्ट एंड रीसेट टू डिफॉल्ट. ओके, सो डिफॉल्ट ही रहने दीजिए इसको. एम्बिएंट ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो. एम्बिएंट ब्राइटनेस इज समथिंग, एक तरीके से मैं कहूँ, जो भी इंटीरियर लाइट्स वगैरह रहोगे लगाओगे आप, सो वो एक दूसरे से कितना रिफ्लेक्ट होगी वो चीज़ यहाँ पे सेट रहता है. बाकी यहाँ पे मोशन ब्लर, बाकी लेंस फ्लेयर, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी है. देन गो टू एटमॉस्फेयर. वाइट बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड आपको कंप्लीट वाइट चाहिए तो वाइट सेट कर सकते हो, नहीं तो फिर आप इसको ऐसे रहने दीजिए. फॉग वगैरह ऐड करना चाहते हो तो यू कैन सिंपली ऐड सम फॉग. देन यहाँ पे इल्यूमिनेशन, सन ब्राइटनेस मैं थोड़ा सा कम करूँगा यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली 99, यस इट इज़ ओके. देन यहाँ पे शेडो की शार्पनेस कितनी रहेगी, सो शेडो शार्पनेस ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट करोगे कि आपको यहाँ पे कैसे कितना रखना है. देन यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस, इट इज़ ओके. होराइजन आपको क्या चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए या हमें कोई टाउन चाहिए, सो लेट अस गो फॉर दिस टाउन. देन विंड की इंटेंसिटी क्या है, ये चीज़ जब आप यहाँ पे सिंपली वॉक थ्रू क्रिएट करोगे तब ये काम में आएगा. देन क्लाउड की डेंसिटी आप कितना रखना चाहते हो, सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सन की ब्राइटनेस आपके हाउस पे भी इफेक्ट डालती है, ठीक है. सो लेट अस गो फॉर दिस मच ओनली. ओके,
फिर इसके बाद यहाँ पे वैरायटी वगैरह क्लाउड्स में आप कोई भी चेंजेस वगैरह करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो। देन यहाँ से कैप्चर, ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पे सिंपली तरीके से मैं कहूँ तो ये आपका जो भी वॉक थ्रू क्रिएट करोगे उससे रिलेटेड रहेगा। ओके, देन रेंडरिंग, इट इज़ ओके, इट इज़ ओके, सो इट इज़ क्लोज दिस। अब यहाँ पे जो ग्लास है इसमें थोड़ा सा मैं रिफ्लेक्टेंस ऐड करूँगा, सो यहाँ पे मैं अपने रेविट में गो टू मैनेज, देन गो टू मटीरियल्स, एंड मटीरियल्स में यहाँ पे जो ग्लास का मटीरियल है हमारा दिस वन, इसमें यहाँ पे मैं जो रिफ्लेक्टेंस है इसको मैं यहाँ पे इंक्रीज कर दूंगा अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से 80 एंड हिट ओके। बाकी ग्लेजिंग क्लियर नहीं चाहते हो, आप कोई कलर चाहते हो सो ये भी आप सेट कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट आई थिंक उन्होंने यहाँ पे ब्लू बोला था, सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ब्लूइश करूँगा। तो जैसे आप ओके करोगे इट विल टेक सम टाइम टू लोड, क्योंकि यहाँ पे एंडस्केप में भी आपका पूरा कंप्लीट सेट होगा। ओके, सो अगेन गो टू मटेरियल, एंड मटेरियल पे आने के बाद यहाँ पे कंप्लीट ब्लैक हो जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्टेंस यहाँ पे ऐड होता है, सो टेंशन नॉट। यहाँ पे चाहो तो यूज़ इंटरफेरेंस को आप ऑफ कर दो। देन यहाँ से इसको मैं ब्लू समथिंग ब्लूइश करूँगा और इट इज़ अपडेटिंग, लेट अस सी कैसा आता है। सिंपली प्रेस ओके एंड रेविट को हम थोड़ा सा इधर साइड में करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका ग्लास था वो हल्का सा यहाँ पे ब्लूइश एंड यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी आपकी और भी ज़्यादा आ गई है, सो इट इज़ ओके नाउ। देन सिंपली यहाँ पे मैं इसको रेंडर करूँगा, सो लेट मी सेट द कैमरा व्यू, इट इज़ ओके। एंड रेंडर करने के लिए अगेन आपको रेविट पे आना है, रेविट पे आने के बाद यहाँ पे एंडस्केप, एंडस्केप पे आने के इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, सो गो टू एंडस्केप एंड यहाँ से आपका सिंपली टेक अ स्क्रीनशॉट एंड टेक स्क्रीन शॉट पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको रेंडर को कहाँ पे सेव करना है, सो वी वॉन्ट टू सेव इट टू डेस्कटॉप एंड स्केप, ये आपका नेमिंग जो भी आप नेम सेट करना चाहते हो, एंड सिंपली क्लिक ऑन सेव। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे यहाँ पे जो आपकी रेंडरिंग है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। सो इट विल, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि तुरंत तुरंत यहाँ पे रेंडरिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस। सो फ्रंट व्यू का एक हमने रेंडर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, एंड सिमिलरली सेम यही रखेंगे और यहाँ पे मैं आई प्रेस करूँगा, सो यू कैन सी कि हमारा पास यहाँ पे जो सनलाइट है वो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से टाइम चेंज होगा आपका डे का, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो नाइट में यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हुआ कि कम्प्लीटली ये ब्लैक हो गया। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज अगेन ओपन रेविट सेटिंग्स, विजुअल सेटिंग्स, एंड इसको मैं साइड में करता हूँ समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ पे मैं इमेज पे आता हूँ एंड एटमॉस्फेयर, देन वी हैव नाइट स्काई ब्राइटनेस, इसको आप फुल कर दीजिए। ओके, देन मून साइज को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस, देन क्लोज दिस एंड यहाँ पे मैं सिंपली आई प्रेस करता हूँ। ओके, सो अभी ये चीज़ नहीं आ रही बट अभी चलो मैं तो मॉर्निंग के व्यूज कुछ ले लेता हूँ, समथिंग यू कैन प्रेस सिंपली आई एंड यू चेंज दिस डे टू नाइट। ओके, so this is okay, then again take a screenshot and we will take an other screenshot something like this। same इसी तरह से आप यहाँ पे multiple renders निकाल सकते हो। okay, so यहाँ पे मैं एक something like कुछ इस तरह से यहाँ पे एक render create कर लेता हूँ, then यहाँ से मैं right click करके अपने angle को rotate करा सकता हूँ something like this। okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा blur हो रहा है आपका object, है ना, आपका घर। सो सिंपली अगेन सेटिंग्स और यहाँ पे विजुअल सेटिंग, दिस इज ड्यू टू फील्ड ऑफ व्यू एंड डेप्थ ऑफ फील्ड, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कम कर दूंगा। ओके, देन सिंपली क्लोज दिस, टेक स्क्रीनशॉट एंड वी विल बी टेकिंग दिस स्क्रीनशॉट अगेन समथिंग लाइक दिस, एंड वन स्क्रीनशॉट फ्रॉम द अदर साइड एंड वी विल रोटेट दिस समथिंग लाइक दिस, and we will set our camera view, proper zoom and take a screenshot, so it will start rendering and यहाँ पे render हो जाएगा। then इसके बाद same इसी तरह से आप इसका complete walkthrough create करना चाहते हैं तो वो भी आप create कर सकते हो। so for walkthrough हम क्या कर सकते हैं, again मैं front view पे आ जाता हूँ या फिर मैं ऐसे ही कुछ लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं इस व्यू से समथिंग
जो मैं वॉक थ्रू एक तरीके से क्रिएट करूंगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा और कुछ इस तरह से आके इधर एंड हो जाएगा. ओके सो मैं ये व्यू सेट कर लेता हूँ यहाँ पे समथिंग लाइक दिस. देन यहाँ से आपका वीडियो एडिटर ऑप्शन है के से, सो सिंपली प्रेस के. के पे जाने के बाद यहाँ पे आपका की फ्रेम का एड की फ्रेम का ऑप्शन है. सिंपली क्लिक ऑन दिस एड की फ्रेम. देन यहाँ से हम अपने व्यू को थोड़ा सा रोटेट करेंगे. देन अगेन एड की फ्रेम. देन अपने अगेन व्यू को रोटेट करेंगे. एंड यहाँ से डी से मैं थोड़ा साइड में आता हूँ. एड की फ्रेम. एड अगेन व्यू को रोटेट करके समथिंग लाइक दिस. एंड इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह सेट करके एड की फ्रेम. सो टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे कितनी रहेगी वो चीज़ भी आप सेट कर सकते हो. सो लेट अस सेट टू 40 सेकंड्स. एंड यहाँ से प्रीव्यू आप इसका देख सकते हो. सो इट द प्रीव्यू विल बी समथिंग लाइक दिस. तो ये बहुत ज़्यादा स्लो हो गया आई थिंक. सो आई विल सेट द ड्यूरेशन टू 30 सेकंड्स और 25 सेकंड्स लेट्स से. ओके देन अगेन प्रीव्यू. सो ये आप देख सकते हो इस तरह से आपका ये प्रीव्यू आ जाएगा. ओके सो इसको हमें कैसे रेंडर करना है वो चीज़ भी हम यहाँ पे देखते हैं. तो सिंपली प्रेस एस्केप टू पॉज द प्रीव्यू. देन अगेन हम यहाँ पे रेविट ओपन करेंगे और यहाँ से आपके पास सिंपली रेंडर दिस वीडियो. रेंडर वीडियो पे मैं क्लिक करूँगा और आपके वीडियो को कहाँ पे सेव करना है ऑन डेस्कटॉप एंड क्लिक ऑन सेव. और यहाँ पे आपका ये रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी. ओके सो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने एंडस्केप को सिंपली एंडस्केप के थ्रू अपने मॉडल को रेंडर कर सकते हैं जो भी आपने रेविट को मॉडल को क्रिएट किया होगा. साथ ही में अगर ये प्रोजेक्ट फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है. वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. मेक श्योर डैट यहाँ पे जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ डेट इज रेविट 2018 एंड एंडस्केप का जो वर्जन है वो 2.8. एंड अभी तक अगर आपने एंडस्केप डाउनलोड नहीं किया है तो उसकी भी लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है. आप यहाँ पे उसको डाउनलोड कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन.